हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर सम का। ये टॉपिक एलजेब्रा से संबंधित है, लेकिन इस टॉपिक का आपको एलजेब्रा और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सभी में इसका प्रयोग मिलता है। और अधिकतर कंपटीशन के प्रश्न होते हैं उसमें एवेल्युएशन में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से हम कठिन गणनाओं को सरल गणनाओं में परिवर्तित कर लेते हैं और आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम आपको कुछ अलग अलग प्रकार की सर्वसमिकाएँ बताते हैं, द्विघात सर्वसमिकाएँ और त्रिघात सर्वसमिकाएँ। तो पहले जो है वो आपको द्विघात सर्वसमिकाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। द्विघात सर्वसमिका, इसको आप इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी ऑफ टू पावर ऑफ पावर टू आइडेंटिटी। दोस्तों, वहाँ पर आप दो चीज़ें में देखते हैं, एक तो आपको इक्वेशन मिलता है और एक होती है आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर कर लेते हैं, इक्वेशन और आइडेंटिटी क्या होती है। इक्वेशन समीकरण और सर्वसमिका, समीकरण सर्वसमिका। देखिए दोस्तों, समीकरण और सर्वसमिका, समीकरण में आपका जो मान निकल के आता है वो चर का केवल एक और केवल एक ही मान निकल के आता है, लेकिन सर्वसमिका में चर का कोई भी मान रख दीजिएगा देने पर उसका मान संतुष्ट हो, सर्वसमिका का मान संतुष्ट हो जाता है। तो समीकरण में चर का एक मान होता है और सर्वसमिका चर के किसी भी मान के लिए सत्य होती है। तो ये रहा आपका अंतर। अगर आपसे कभी कहीं प्रश्न आता है कि सर्वसमिका और समीकरण में क्या अंतर होता है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि सर्वसमिका में चर के अनंत मान होते हैं, किसी भी मान के लिए सर्वसमिका सत्य होती है, लेकिन समीकरण सिर्फ एक और एक ही मान के लिए सत्य होती है। चलिए दोस्तों, अब हम द्विघात समीकरण की सर्वसमिकाएँ आपको द्विघात सर्वसमिकाएँ बता रहे हैं। पहली द्विघात सर्वसमिका है ए प्लस बी पावर टू। इंग्लिश में बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और हिंदी में ए प्लस बी की घात दो। अब इस सर्वसमिका का जो ये बायां पक्ष है, इसका आपका दायां पक्ष आपका निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इनको जरा और अच्छे तरीके से आपसे व्याख्या किए देते हैं। इसका मतलब ये होता है, इस सर्वसमिका का अगर प्रसार करना है, हमें बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है। और इसको अगर हम सरल रूप में लिखना चाहें तो ये है आपका प्रथम पद दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके अलग अलग वर्गों के योग के प्लस उनके गुणनफल के दोगुने के योग के बराबर होता है। इस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी प्रकार इसको अगर हम विस्तारित रूप में लिखना चाहते हैं तो प्रथम पद प्लस द्वितीय पद का पूर्ण वर्ग। अब ये मान किस तरह से आपका आएगा, यही आपकी सर्वसमिका का प्रयोग है। देख लीजिएगा, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए का मान प्रथम पद और बी का मान द्वितीय पद। तो ए स्क्वायर यानी कि संक्षिप्त में लिख दे रहा हूँ मैं, प्रथम पद का वर्ग फिर धन दो गुणा प्रथम पद गुणा द्वितीय पद और प्लस द्वितीय पद का वर्ग। ये रहा आपका सर्वसमिका यानी घात दो की सर्वसमिका। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, सर सर्वसमिका का उपयोग क्या होता है। सर्वसमिका का उपयोग ये होता है कि अगर हमने लिखा हुआ है x प्लस फाइव का वर्ग, अधिकतर एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के एकेडमिक सेशन में, x प्लस फाइव का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला पद हमारा x है, दूसरा पद है पाँच। तो पहले हम x का वर्ग करते हैं, फिर दो गुणा प्रथम पद, फिर गुणा द्वितीय पद, फिर धन द्वितीय पद का वर्ग। अब आप इसको सरल रूप में लिखना चाहें
तो ये आपका हो गया x का वर्ग, और यहाँ पर अंक हैं 2 और 5, इन दोनों का गुणनफल आपका 10 आएगा, 10x, और ये प्लस 5 का वर्ग 25 हो गया। तो दोस्तों ये हमारी एक सरल समीकरण है, और इस सरल समीकरण की सहायता से हम किस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं, और भी इसके अधिक इससे भी अधिक इसके उपयोग हैं, वो मैं आपको प्रश्न पे बताऊंगा जब भी आपको आवश्यकता होगी। तो ये a प्लस बी यानी योग का वर्ग हो गया पहली सर्वसमिका। दूसरी सर्वसमिका जो है ये अंतर की सर्वसमिका है, a माइनस बी का पूर्ण वर्ग यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, अंतर 2ab माइनस का हो जाएगा, a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग। एक तीसरी सर्वसमिका है इसमें a माइनस a वर्ग माइनस b का वर्ग। ये तीसरी सर्वसमिका है, इसका तो बहुत ही अधिक उपयोग किया जाता है गुणनखंड में, कैलकुलेशन में, सरलीकरण में, कंपटीशन में, एकेडमिक में, और इसका तो अधिक से आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणनफल को, वर्गों के अंतर को निकालने के लिए। ये रहा आपका, इसका उत्तर आएगा a प्लस बी और a माइनस बी। सर्वसमिका का उपयोग आप दोनों तरह से कर सकते हैं, बाएं पक्ष को लेकर के दाएं पक्ष से, या दाएं पक्ष लेकर के बाएं पक्ष से। अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो आप ए प्लस बी ए माइनस बी दे सकते हैं, और अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे करके हल कर सकते हैं। एक और सर्वसमिका है जिसको भी मैं आपको बता दूँ, ये सभी दो पदों की सर्वसमिकाएँ थी, अब ये मैं अंतिम सर्वसमिका आपको बता रहा हूँ द्विघात में, ये आपकी तीन पदों की सर्वसमिका है, ए प्लस बी प्लस सी की घात 2। इसको आप जब हल करेंगे तो इसका सूत्र आता है a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग, इसके बाद प्लस 2 गुणा ए बी प्लस 2 गुणा बी सी प्लस 2 गुणा सी ए। इसका मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद का पूर्ण वर्ग बराबर होगा प्रथम पद का वर्ग, द्वितीय पद का वर्ग, तृतीय पद का वर्ग, इन प्लस पहली और दूसरी पद के गुणनफल का दुगना, दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल का दुगना, और पहले और अंतिम पद के गुणनफल का दोगुना। ये आपकी चार सर्वसमिकाएं हमने यहाँ पर दे दी, इनके आपस में संबंध भी हम आपको बताते चलेंगे, और इनके बारे में ये सर्वसमिकाएं आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब हम इसमें से एक सर्वसमिका का आपको सत्यापन भी करके दिखा देते हैं कैसे आपको प्राप्त होती है। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये ट्रिक दी गई है आपको, और इनको आप सरलीकरण करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके लिए लिखा गया है a प्लस बी का होल वर्ग, इसका हमें सत्यापन करना है, उसे फार्मूले को निकालना है। इसका मतलब होता है a प्लस बी का फिर से a प्लस बी में, यानी वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणन करना। अब हम इसका सत्यापन आपके सामने कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे दो पद हैं, दो व्यंजक दिए गए हैं, दोनों व्यंजक में से एक व्यंजक को हम खोल देते हैं। पहला व्यंजक खोल देते हैं, पहले व्यंजक में जो आपका a लिखा हुआ है इसका दूसरे व्यंजक के साथ गुणन कर दिया गया। फिर आपका दूसरा पद है प्लस बी, इसका भी दूसरे व्यंजक के साथ गुणा कर दिया गया। जब हम गुणा करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, a का गुणा a के साथ करेंगे a वर्ग, और a का गुणा b के साथ करेंगे तो ए बी, इधर b का गुणा a के साथ करेंगे तो इसको क्रम से लिख दीजिए तो ए बी ही आएगा। बी ए लिखो या ए बी लिखो, क्रम विनिमय नियम में बताया था हमने, क्रम विनिमय नियम में संख्याओं का गुणनफल का क्रम विनिमय नियम हो या योगफल का, क्रम चेंज करने पर उनके परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं आपका प्रथम पद हो गया a वर्ग, ए बी और ए बी दो सजातीय पद हैं, इनको आप योग निकाल सकते हैं, इनको लिख सकते हैं 2ab, और आपका जो अंतिम पद होगा ये आपका होगा b स्क्वायर। तो अब हमने जो सर्वसमिका पढ़ी थी वो ये उसका रूप है, ये सत्यापन भी हो गया, इसको हम गुणन के गुणन की सहायता से इसका सत्यापन भी कर सकते हैं। इसका उपयोग क्या है, अगर हमें 105 का वर्ग ज्ञात करना है तो ये कठिन संख्या है,
इसका हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह से? 100+5 के रूप में विस्तारित कर देते हैं, और विस्तारित करने पर एक पद आपका ए बन गया, दूसरा पद बी बन गया, तो आप प्रथम पद का वर्ग प्लस 2 गुणा प्रथम पद गुणा 5 द्वितीय पद, तो प्लस द्वितीय पद का वर्ग। अब इनको सरलीकरण करते हैं तो बहुत आसानी से 100 का वर्ग करेंगे तो 1 के साथ 4 0 यानी कि 10,000। इधर आपका 2 5 10, ये आपका हो गया 1,000, और इधर आपका हो गया 25। 10,000 और 1,000 11,000, 11,000 में आप 25 अगर जोड़ते हैं तो आपका आंसर आएगा 11,025। इस तरह के सवाल सर्वसमिका की सहायता से हम कठिन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर हमें 105 का वर्ग निकालना होता तो हम 105 का 105 में गुणा करते, 3 अंकों का गुणा होता, और ये हम आसानी से निकाल दिए गए हैं। इसमें संख्याओं का एनालिसिस ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज जो अभी हमने इस वीडियो में आपको 4 सर्वसमिकाएँ बताई हैं उनको आप देख लीजिएगा, और अंतिम फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल वर्ग ये किसके बराबर होगा? ए माइनस बी के होल वर्ग में आप 4ab प्लस कर दें। दरअसल इन प्रश्नों में आपसे प्रतियोगी स्तर पर बहुत ही अच्छे और जटिल प्रश्न बनाए जाते हैं, तो ये योग और अंतर की सर्वसमिका में संबंध हो गया। अगर आपको इसी समीकरण से a माइनस बी का होल वर्ग का मान ज्ञात करना है तो इसका यहाँ पर योग हो जाएगा, ए प्लस बी का वर्ग और माइनस 4ab। धन्यवाद।